मेरा नाम विक्रम सिंह है। आज मैं आपको अपनी मम्मी की एक कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी मम्मी का नाम मयूरी है। मम्मी की एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम करणवती है। उस समय मेरी मौसी मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन करणवती की शादी को हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। जबकि मेरी मम्मी ने शादी के 2 साल बाद ही 1996 में मुझे जन्म दे दिया था, इसलिए हमारे परिवार में तो सब लोग बहुत खुश थे। मेरी नानी भी बहुत खुश थी। मेरी मम्मी हमेशा अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मौसी अंदर ही अंदर हमसे जलती थी क्योंकि उनका शादी के इतने साल बाद भी कोई बच्चा नहीं था। उनके पति और परिवार के दूसरे लोग हमेशा उनको ताने देते थे, लेकिन फिर जब मैं पैदा हुआ तो मौसी को और ज़्यादा ताने मिलने लगे। वो किसी से बात नहीं करती थी और बहुत दुखी रहती थी। मौसी जब भी मुझे देखती तो मम्मी से गुस्से में बात करती। वो मम्मी को हमेशा कहती कि तेरा तो बच्चा हो गया, मेरी ओर देख, लगता है मैं बिना औलाद के ही मर जाऊंगी। मेरी मम्मी भी उनके लिए बहुत परेशान रहती थी। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मम्मी बताती थी कि उस समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनके सीने के ऊपर बैठा है, लेकिन परिवार के लोग सोचते थे कि वो बीमार हो गई हैं, इसलिए उनको ये सब महसूस होता है। मम्मी को सपने में एक औरत भी दिखाई देती थी जो उन्हें और उनके बच्चे को मारने की कोशिश करती थी। मम्मी ने ये बात पिताजी को भी बताई, लेकिन पिताजी और बाकी लोगों को उनकी बात पे यकीन नहीं हुआ। सबको यही लग रहा था कि बस उनकी तबीयत खराब हो गई है। 2-3 हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। मम्मी दवाइयां भी ले रही थी, लेकिन दवाइयों से कुछ असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मम्मी अजीब अजीब हरकतें भी करने लगी थी। अकेले में ही किसी से बातें करने लगती, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं होता था। वो कहती थी कि उनको एक बहुत ही डरावनी औरत दिखाई देती है। वो बार बार उनके सामने आती है और उनको और उनके बच्चे को मारने की कोशिश करती है। फिर ऐसे ही एक रात जब घर में सब लोग सो रहे थे तो मम्मी अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। रात के 2 बजे का टाइम था। मम्मी की ऐसी हरकत देख पिताजी भी डर गए। उन्होंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी, मतलब उनमें कोई पुतली नहीं थी। मम्मी मुझे घूरने लगी। पिताजी समझ गए कि पक्का कुछ गलत हो रहा है। पिताजी ने जल्दी से मुझे कंधे पर बिठाया और कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन मम्मी बिस्तर से ही छलांग लगा के सीधा सामने दरवाजे तक पहुंच गई और पिताजी को पीछे धकेल दिया। साथ ही बता दूं कि हमारा वो बेडरूम बहुत बड़ा था और कोई इंसान यूं बिस्तर से दरवाजे तक छलांग लगा के वहां तक नहीं पहुंच सकता था। पिताजी बहुत डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मम्मी बोले जा रही थी कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। कुछ ही देर में दादा दादी और पिताजी के बड़े भाई वगैरह सब दौड़ते हुए कमरे में आए और दरवाजा खोला। सब लोग मम्मी की हालत देखकर हैरान थे। अचानक मम्मी जोर जोर से हंसने लगी और ऊपर छत पे जाके चलने लगी। सब लोग डरे हुए थे। मेरी दादी समझ गई कि ये पक्का कोई ऊपरी चक्कर है, तो उन्होंने भगवान विष्णु के नरसिंह मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मम्मी ने चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। वो हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। पिताजी डर गए थे, मैं रोए जा रहा था और घर के सब लोग परेशान थे। फिर अगली सुबह जब मम्मी उठी तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। पूछने पर मम्मी ने कहा कि उनको तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मम्मी के शरीर पे जगह जगह घाव हो रखे थे और उन्हें तेज बुखार भी था। दादी बोली कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ लोगों को इधर उधर फोन किया तो एक तांत्रिक के बारे में पता चला
जो हमारे घर से 2-3 घंटे की दूरी पर रहता था। फिर मेरे बड़े पिताजी ने जल्दी से गाड़ी मंगवाई, लेकिन जब उन्होंने मम्मी को बताया कि हम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं तो उनकी हरकतें फिर से बदल गईं। वो अपने बाल और नाखून नोचने लगीं, चबाने लगीं, जैसे कि वो कोई मानसिक रोगी या कोई पागल हो। तब तक मेरी मम्मी का परिवार भी आ गया था, उनको भी सारी बात बताई गई। पिताजी और दादाजी मम्मी को पकड़ के संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर तो ना जाने कैसी अद्भुत ताकत आ गई थी। वो सबको धक्का दिए जा रही थी, लेकिन फिर किसी तरह उन्हें जबरदस्ती कार के अंदर बिठाया गया। कार में एक तरफ पिताजी और दूसरी तरफ मेरी दादी बैठी थीं। मम्मी बीच में थीं, पीछे पिताजी के बड़े भाई और परिवार की दूसरी औरतें थीं। पूरे सफर में मम्मी चिल्लाए जा रही थी और सबको गालियां दिए जा रही थी। ड्राइवर भी बहुत डर गया था। फिर किसी तरह वो लोग तांत्रिक के घर पहुंचे। तब तक दोपहर हो चुकी थी। उन तांत्रिक का घर एक गुरुकुल के जैसा था, जहां वो अपने शिष्यों को तांत्रिक विद्या सिखाते थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उनके शिष्य भी मदद के लिए आ गए, क्योंकि मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हीं शिष्यों में से एक, जिनका नाम चंदन था, उन्होंने एक गिलास पानी लेकर मम्मी के ऊपर डाल दिया। ऐसा करते ही मम्मी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। इसके बाद सब लोग मिलके उनको तांत्रिक के पास लेकर गए, तो तांत्रिक ने मम्मी को देख के कहा कि आपको इन्हें पहले ही यहां ले आना चाहिए था। फिर उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया तो मम्मी फिर से वैसे ही शैतानी तरीके से हंसने लगी। उनके ऊपर कोई आत्मा आ गई थी। फिर तांत्रिक ने आत्मा से पूछा कि वो कौन है और इनको क्यों परेशान कर रही है, तो आत्मा ने कहा कि वो इस औरत और उसके बच्चे को मारने के लिए आई है। तो तांत्रिक ने कुछ भभूत मम्मी के सिर पे डाली और मम्मी फिर से बेहोश हो गई। फिर तांत्रिक ने बताया कि किसी ने इनके ऊपर काला जादू किया है और ये काला जादू बहुत भयानक है। परिवार ने उनसे पूछा भी कि ये किसने किया है, लेकिन वो बोले कि पहले इनको ठीक करना जरूरी है। तांत्रिक बोले कि 3 दिन बाद अमावस्या की रात है, उस रात वो इस काले जादू को तोड़ सकते हैं। तांत्रिक ने मम्मी को अपने आश्रम में ही रखने का फैसला किया। परिवार के लोग भी आश्रम में ही रुके हुए थे, लेकिन मम्मी को एक अलग कमरे में बंद करके रखा गया था। उस रात जब मम्मी कमरे में बंद थीं, तो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कमरे में इधर उधर दौड़े जा रही थी। ये सब कुछ बहुत भयानक था। अगले दिन परिवार के लोग मम्मी को देखने के लिए फिर से आश्रम में आए। तब तक मम्मी पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में आ चुकी थी। पिताजी ने फिर से तांत्रिक से पूछा कि ये सब किसने किया है, लेकिन तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले दिन अपने परिवार के सब लोगों को और अपनी पत्नी के परिवार के लोगों को भी यहां लेकर आ जाना, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगले दिन अमावस्या थी। रात के समय पिताजी ने परिवार के सब लोगों को बुला लिया, यहां तक कि मेरी बड़ी मौसी को भी बुलाया। शाम को सब लोग आश्रम में इकट्ठा हो गए। मम्मी को कमरे से बाहर लाया गया और हवन कुंड के सामने एक पवित्र घेरा बना के उसके अंदर मम्मी को बिठाया गया। फिर तांत्रिक ने पूजा शुरू की और मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन मम्मी के अंदर जो आत्मा थी वो और हिंसक होने लगी और बाबा जी को गालियां भी देने लगी। एक पल तो ऐसा भी आया कि मम्मी हवा में ही तैरने लगी थी। आश्रम के लोग उन्हें खींच के नीचे कर रहे थे। 7 लोगों ने मम्मी को पकड़ा हुआ था। फिर कई घंटों की पूजा के बाद रात के 1:15 बजे तांत्रिक ने कहा कि उन्होंने काले जादू को काट दिया है। अब जिसने भी ये काला जादू किया है, अगर वो यहाँ है तो वो आत्मा उसी पर हमला करेगी। और सबके देखते ही देखते कुछ ही देर बाद मेरी मौसी अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो अपने बाल फैलाकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। सब लोग हैरान थे, तो तांत्रिक ने बताया
कि इस सब की दोषी यही है, ये सब कुछ इसी का किया कराया है। सब लोग मौसी पर गुस्सा हो गए। पिताजी तो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ कूद पड़े, लेकिन सबने उनको रोक लिया। उस आत्मा ने मौसी के मुंह से ही शैतानी आवाज में हंसते हुए बताया कि उन्हें बच्चा नहीं हो सकता था और उनके घर वालों का सारा प्यार इसको और इसके बच्चे को ही मिलता था, इसलिए उसने ये सब किया था। लेकिन मेरी दादी बहुत अच्छे दिल की थी। उन्होंने तांत्रिक से मौसी को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि काला जादू अब उल्टा हो चुका है और जिसने भी उस आत्मा का आह्वान किया था उस आत्मा को अब उसी की आत्मा चाहिए। और फिर सबके देखते ही देखते मौसी अपने चारों हाथ पैरों पर चलने लगी और खुद को काटने लगी और अचानक से सबको धक्का देके आश्रम से बाहर भाग गई। सब घरवाले उन्हें ढूंढने लगे कि वो कहाँ गई, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दी। फिर अगले दिन परिवार को खबर मिली कि मौसी पास के ही एक तालाब में कूद गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन ये भी सच था कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मौसी अपने गंदे कामों की वजह से ही मारी गई। हमें उम्मीद है कि आज वो जहाँ भी हों शांति में हों। ये कहानी मुझे मेरी दादी और बड़ी मम्मी ने बताई थी। हम आज खुश हैं। मैं 26 साल का हूँ और मेरी मम्मी और पिताजी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरा नाम बॉबी सैफी है और मैं ईस्ट दिल्ली विनोद नगर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पहला इंसिडेंट ऐसा है जो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे दोस्तों के पूरे ग्रुप के साथ हुआ था। हुआ यूं था कि ये साल 2015 की बात है। एक बार हम चार दोस्त, मैं, साजिद, गौरव और दीपक, हमने गोवा घूमने जाने का प्लान बनाया था अपनी कार से। तो हम अपनी कार से गोवा गए और वहाँ हमें बहुत सारे अनुभव हुए, डर का, एक्साइटमेंट का, एडवेंचर का, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस हमें वहाँ हुए थे। तो कुछ दिन गोवा में रुकने के बाद एक रात हम गोवा से निकल गए। गाड़ी मैं ही चला रहा था। तो उस वक्त हम लोग गोवा से पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे थे और ये बात होगी रात करीब 1:30 बजे के आसपास की। कार मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे बाजू में साजिद बैठा था जो कि सो गया था। पीछे दीपक और गौरव थे, वो दोनों भी सो रहे थे। उन दोनों को ड्राइविंग भी नहीं आती थी, इसलिए पूरी ट्रिप में बस मैं और साजिद ही हम दोनों ही ड्राइव करते थे। दिन में साजिद चलाता था और रात में मैं। अब हुआ यूं कि ड्राइव करते हुए हम एक पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, तो वहां जो आसपास पेड़ लगे थे ना, वो ऐसे थे कि उनके ऊपर 5-5 फीट तक सफेद रंग का पेंट किया हुआ था, जैसे हमारे यहां भी पेड़ों पे पेंट कर देते हैं ना, वैसा ही पेंट उनके ऊपर किया गया था। ये नॉर्मल बात थी और वो पूरा पहाड़ी का इलाका था। अब क्या हुआ कि आगे जाते हुए करीब 200 मीटर दूर एक पहाड़ी पे मुझे एक पेड़ दिखाई दिया जिसपे वही वाइट कलर का कलर सा हो रखा था। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे हमारी गाड़ी उस पेड़ के नज़दीक जा रही थी वो कलर बड़ा होता जा रहा था। और फिर जब हम उससे करीब 50 मीटर ही दूर होंगे, मैंने देखा कि वो वाइट कलर जैसा कुछ इतना बड़ा हो गया कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हवा में उड़ा हो और उसने एकदम से अपने हाथ आगे की तरफ फैलाए हों। गाड़ी में मैं अकेला ही जगा हुआ था और बीच रास्ते में उसको यूं देखते ही मैंने एकदम से गाड़ी राइट साइड में मोड़ दी। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं बस उस चीज की तरफ ही देखे जा रहा था। लेकिन उसी पल मैं अपने होश में आ गया। गाड़ी एकदम से घुमाते ही वो तीनों भी नींद से उड़ गए। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मैंने साजिद से कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस तू एक काम कर, हमारी कुरान में एक आयत होती है सूरह यासीन, मैंने कहा कि तू ये आयत
मेरे फ़ोन में चला दे। फिर मैंने अपना फ़ोन अपनी कार के म्यूज़िक सिस्टम से कनेक्ट किया और खिड़कियों के शीशे नीचे करके फुल आवाज़ में वो सूरह यासीन चला दिया। फिर थोड़ी दूर जाके करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप था। हम उस पेट्रोल पंप पे जाके रुक गए। मैंने अपना मुंह धोया और पूरी बात उन तीनों को बताई। और आप यकीन नहीं करोगे, इन 7 दिनों की ट्रिप में हमारे घर से कभी इतनी देर रात हमारे पास फ़ोन नहीं आया, किसी के पास भी नहीं। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पे कॉल आई। मेरी मम्मी ने फ़ोन किया कि बॉबी तू ठीक तो है? मेरा दिल घबरा रहा था। तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे फ़ोन रखते ही साजिद और गौरव दोनों के फ़ोन पे एक साथ कॉल आने लगी। दोनों की मम्मियों ने फ़ोन किया था। गौरव की मम्मी ने पूछा कि तू ठीक है बेटा? साजिद की मम्मी ने भी यही कहा कि हमारा दिल घबरा रहा था। और उनके फ़ोन रखते ही दीपक की मम्मी की भी कॉल आ गई। बोला तू ठीक है ना? कहाँ पहुँचे हो तुम लोग? वो चारों नॉर्मली हमारे बारे में पूछ रही थी, लेकिन फ़ोन हम चारों की मम्मियों का आया था। चारों की मम्मियों ने ही ये बोला कि हमारा दिल घबरा रहा था। फिर जब हम पेट्रोल पंप से आगे गए तो आगे ट्रैफिक लगा हुआ था, और ट्रैफिक इतना था कि हम कार से उतर के देख सकते थे कि आगे क्या हो रहा है। तो मैं, साजिद और गौरव कार से उतरे और उतर के हम थोड़ा आगे चले गए देखने के लिए कि यहाँ जाम क्यों लगा हुआ है। आगे गए तो देखा कि आगे महाराष्ट्र पुलिस के कुछ लोग खड़े थे। वो पुलिस वाले लोकल मराठी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हमें उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाके हमने एक दूसरे आदमी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ एक ऑटो और एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों गाड़ियाँ नीचे खाई में गिर गई हैं। पुलिस वालों के पास उनकी पावर टॉर्च थी जो कि बहुत दूर तक लाइट मारती है, तो वो लोग उस टॉर्च से नीचे खाई में देखने की कोशिश कर रहे थे और माइक से आवाज़ लगा के नीचे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि अगर ऐसी बात है तो इनको नीचे उतर के देखना चाहिए, यहाँ ऊपर से लाइट मारने से क्या फ़ायदा? तो उस आदमी ने बताया कि ये तो यहाँ रोज़ का काम है, यहाँ इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ऊपर से यहाँ नीचे बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं, भालू, चीता वगैरह। इस टाइम नीचे अंधेरे में जाना सेफ नहीं है, इसलिए सुबह होने पर ही नीचे जाके देखा जाएगा। मैंने कहा यार सुबह तक अगर कोई मर गया तो वो बोला कि कोई बात नहीं, इस टाइम नीचे नहीं जा सकते। और सच में वहाँ कोई पुलिस वाला नीचे जाके देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने नीचे जाने का कोई प्रबंध नहीं किया था, बस ऊपर ट्रैफिक को ही मैनेज कर रहे थे। इसके बाद हम भी वहाँ से चले गए। मुझे नहीं पता कि फिर वो लोग सुबह नीचे ढूंढने गए या नहीं, लेकिन हम वहाँ से निकल गए। फिर हम वहाँ से सीधा हाजी अली गए और हाजी अली आके हमने अपना जो भी दरगाह पे जाना था वो सब जाके हम सब दिल्ली के लिए निकल गए। ये हमारा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो हम सब दोस्तों के साथ हुआ था। ये दूसरी घटना जो मैं आप बता रहा हूँ ये खुद मेरे ही साथ हुआ था, और ये सब हमारे दिल्ली वाले घर में हुआ था। हमारी पैदाइश दिल्ली की ही है, इसलिए हम शुरू से ही दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो हुआ ऐसा था कि हमारे घर में मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों एक ही साथ सोते थे। ये बात करीब 2016-17 के आसपास की बात है। नोटबंदी हुए कुछ ही दिन हुए थे। हर रात की तरह उस रात भी मेरा छोटा भाई बेड के ऊपर सोया था और मैं बेड के नीचे गद्दा डाल के उसके ऊपर सो रहा था। अब हुआ यूं कि रात में सोते सोते मेरी हल्की सी आंख खुली तो मैंने ऊपर मेरे भाई के सिरहाने के पास अपने आप को बैठे देखा। मतलब मैं नीचे लेटा था लेकिन ऊपर मेरे भाई के पास मैं ही बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से अपनी आंखें मल के उसको देखा तो वो मेरे ऊपर हंसने लगा। मतलब मैं ही अपने ऊपर हंस रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कितनी बुरी तरह डर गया था। मैंने उसी वक्त चादर
सिर के ऊपर ओढ़ ली और फिर कब मुझे नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं वो क्या बला थी जो उस रात मैंने देखी थी, लेकिन इस बारे में अब भी जब मैं आपको बता रहा हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक और बात आप लोगों को बताऊं तो मेरी शादी 2020 में हो गई थी, लॉकडाउन से पहले ही, और तब मुझे काम के लिए रात के वक्त पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था सेक्टर 16 नोएडा में, क्योंकि वो ही एक ऐसा पोस्ट ऑफिस था जो 24 घंटे खुला रहता था और हमारे यहाँ से वही सबसे नज़दीक भी पड़ता था, इसलिए मैं वहीं जाता था। तो वहाँ से जब मैं वापस आता था तो मैं यमुना पे से सीधा अक्षरधाम पुल पार करके जो लक्ष्मी नगर वाला अंडर पास पुल के नीचे से निकल के आता है वहाँ से राइट साइड लेके एक रास्ता है जहाँ से ऊपर लक्ष्मी नगर के लिए चढ़ते हैं। वो जगह ऐसी है कि वहाँ आज की डेट में भी आप देखोगे तो वो रोड खाली ही रहती है, दिन में भी उस जगह बहुत ही कम लोग जाते हैं और उस टाइम रात में तो वहाँ किसी के आने का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब वो जगह ऐसी है कि चोर बदमाश लुटेरे वगैरह जिसको भी कुछ गलत करना होता था वो वहाँ उस कोने में ही करते थे। वो बहुत ही शार्प टर्न है। अब हुआ यूं कि मेरे पास एक्सेंट वीवा कार थी वाइट कलर की और मैं हल्की हल्की आवाज़ में गाने सुनता हुआ वहाँ से जा रहा था, तभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उस वक्त रात के कोई 3 बज रहे होंगे। अब जैसे ही मैंने उसे बात करके अपना फ़ोन नीचे रखा तो मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट से किसी ने मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ दी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरा वहम होगा, मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। तब तक मैं उसी रोड पे ही चल रहा था। इस बार मैं इतनी बुरी तरह से डर गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं फुल रेस देके अपनी कार को चलाने लगा। फिर मैंने लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे आके अपनी गाड़ी रोक दी। वहाँ स्टेशन के नीचे एक चाय वाला खड़ा होता है, उसने मुझसे पूछा कि भैया क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, बस चाय पिला दो। मैं बार बार गाड़ी के अंदर देखे जा रहा था। वो फिर से बोला कि भैया कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ भाई। तो वो बोला कि आप गाड़ी को ऐसे क्यों देख रहे हो। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने उसको पूरी बात बता दी। मुझे लग रहा था ये आदमी मुझे पागल समझेगा। मैंने उसे कहा कि मेरे ही नाम से किसी ने मुझे मेरी गाड़ी के अंदर से ही आवाज़ दी 2 बार। तो वो हंसने लगा, बोला भैया छोड़ो फिक्र मत करो, रात में यहाँ ये सब होता रहता है। रात में यहाँ कई बार मेरे पास लोग आते हैं बुरी तरह डरे हुए, उनकी सांसें फूली होती हैं, लेकिन कार में तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसा 2-व्हीलर्स वालों के साथ होता है। फिर मैं कुछ देर वहीं उसी चाय वाले के पास रुका और फिर अपने घर चला गया। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ हुए एक रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, आज तो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन दिनों मैं अक्सर उससे मिलने जाया करता था। वो जब भी मुझे मिलने के लिए बुलाती थी तो अपनी मौसी के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बुलाती थी। उसकी मौसी भी लगभग मेरी ही उम्र की थी और उनका घर शहर से दूर एक सुनसान से इलाके में था जहाँ चारों तरफ खेत ही खेत थे। पास में ही एक शमशान घाट भी पड़ता था। साथ ही बताऊं कि मैं जब भी उनसे मिलने जाता था तो अपने एक दोस्त को साथ लेकर जाता था, क्योंकि एक तो हम हमेशा रात में जाते थे और दूसरा ये कि हमें वहाँ पैदल पैदल ही जाना होता था, क्योंकि बाइक से जाने में बाइक की आवाज़ आती थी, लेकिन हमें तो चोरी छुपके वहाँ जाना होता था। साथ ही बताऊं कि मुझे जिस दिन भी उससे मिलने जाना होता था तो मैं शाम 5-6 बजे तक ही घर से निकल जाता था,
क्योंकि अगर अंधेरा होने के बाद मैं जाता तो घर वाले मुझे मना कर देते कि इतनी रात कहाँ जा रहा है। इसलिए मैं शाम के टाइम ही अपने घर वालों को बोल देता कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और अगली सुबह आऊँगा। इस बीच कुछ घंटे मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता और फिर रात 11 बजे के आसपास मैं उससे मिलने चला जाता। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस रात मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था वहीं अपनी मौसी के यहाँ। लेकिन उस रात यूं हुआ कि मेरा वो जो दोस्त था जो हमेशा मेरे साथ जाता था, उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। बोला उसके पापा को ये पता चल गया है, इसलिए वो अब रात में बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाता हूँ आज। फिर 11 बजे तक मैं उसी के साथ रहा और फिर 11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया मेरी गर्लफ्रेंड का। उसने बोला कि तुम अब आ सकते हो, जिसका मतलब था कि मुझे अब एक घंटा अकेले पैदल चलते हुए उसके यहाँ तक जाना था। ऊपर से वो पूरा कच्चा रास्ता था और रास्ते के दोनों तरफ मिट्टी की बाउंड्री टाइप बनी थी। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, कहीं कहीं प्लॉटिंग का काम भी चल रहा था लेकिन वहाँ कोई घर नहीं बना था। हाँ, कुछ लोगों ने अपने प्लॉट्स पर बाउंड्री जरूर बनवा दी थी, जिसे हमारे यहाँ दासबंदी बोलते हैं। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था इसलिए मैंने परफ्यूम भी लगा रखा था और मेरे पास कुछ चॉकलेट्स भी थीं। अब हुआ यूं कि मैं वहाँ से चलता हुआ जा ही रहा था कि तभी एक जगह पहुँच के मुझे अपना वही दोस्त दिखाई दिया जिसको मैं अभी अभी उसके घर पे मिल के आया था। वो सामने एक प्लॉट में बैठा हुआ था और उसका बैठने का तरीका कुछ ऐसा था जैसे नमाज पढ़ते हुए बैठते हैं। फिर वो वहीं उस बाउंड्री पे बैठा बैठा ही मुझसे बोला, अरे जीतू, तू तो मुझको छोड़ आया लेकिन देख मैं तुझसे पहले ही यहाँ तक पहुँच गया, अब मुझे भी अपने साथ लेकर चल। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ आने का और कोई भी रास्ता नहीं था। वो मुझसे पहले वहाँ तक आ ही नहीं सकता था। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये पक्का कोई ऊपरी हवा है। फिर वो मेरे पास आया और बोला कि देख तेरे पास जल्दी आने के चक्कर में मेरे पैर में लग गई है, चल अब तू ही मुझे सहारा दे। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके दोनों पैर घुटनों से नीचे नीचे कटे हुए थे। ये देख के मैं तो बहुत डर गया और वहाँ से भाग के सीधा अपनी गर्लफ्रेंड की मौसी के यहाँ पहुँचा। उसकी मौसी के यहाँ जाकर मैंने उनको सारी बात बताई। इसके बाद मैंने सबसे पहले अपने उसी दोस्त को कॉल किया लेकिन उसने बताया कि मैं तो अपने घर पे हूँ और मुझे तेरे साथ जाना होता तो पहले ही आ जाता। मैं जानता था कि वो सच बोल रहा है क्योंकि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। किसी तरह मैंने वो पूरी रात उनके यहाँ बिताई। फिर अगली सुबह 4 बजे के करीब जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो उसकी मौसी ने बताया कि यहाँ पास में ही एक परिवार रहता है जिसमें एक माँ बेटा और बेटी रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो लड़का गाड़ी चलाने का काम करता था और एक एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर ख़त्म हो गए थे। वो जिंदा तो बच गया था लेकिन बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए, खासकर टॉयलेट के लिए, अपनी माँ और बहन को बोलना पड़ता था। उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए एक दिन उसने पास के ही एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मेरी गर्लफ्रेंड की मौसी ने मुझे बताया कि वो तुम पर बहुत दिनों से नज़र रख रहा होगा क्योंकि एक तो तुम रात के समय आते हो और ऊपर से परफ्यूम भी लगाए होते हो, और आज जब उसने तुमको अकेले आते देखा तो तुम्हारे पीछे लग गया। ये सब शायद आप लोगों को इतना डरावना ना लगे लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत भयानक था। मैं सुबह 4 बजे तक उन्हीं के यहाँ रुका और फिर उसकी मौसी ही मुझे उस प्लॉट की बाउंड्री तक छोड़ने के लिए आई जहाँ वो मुझे रात में मिला था। वो बाउंड्री पार करते ही मैं दौड़ के वहाँ से चला गया। उस रात के बाद से मैं फिर कभी उस जगह वापस नहीं गया।